वो हीरा तो बगैर कहे तुम्हारा हो गया। मैं तो इस हीरे की बात कर रहा हूं। विजय तुम ये हीरा ले जाओ, मेरा मतलब ये दिल्ली वाला हीरा। मेरे सर पर से एक बोझ उतर जाएगा, कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो मैं फिर से फुटपाथ पर आ जाऊंगा। भाई साहब ये दिल्ली का हीरा आप अपने पास ही रखिए, मैं कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा। मगर इसे घर में रखना तो मुनासिब नहीं। ऐसा करते हैं इसे फैक्ट्री के तिजोरी में रख देते हैं, वहां ये महफूज रहेगा। हाँ एक बात और है विजय। क्या? मैं एक पार्टी देना चाहता हूं। हाँ लो आ गया। हेलो रवि। हेलो, दिस इज रवि कुमार, ये विजय कुमार। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। वाओ एक्सक्यूज मी, ये आपके नहीं, नहीं ये हमारी होने वाली भाभी के लिए। एक्सक्यूज मी। क्यों, क्या ख्याल है, लड़का कैसा है? हाँ इससे पहले भी इन्हें इधर उधर देख चुका हूँ, बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। मतलब आशा की पसंद बुरी नहीं है? मुझे तुम्हारा रवि का साथ पसंद नहीं। ये क्या विजय, भरी महफिल में ये हरकत अच्छी नहीं। मैं शहर के मशहूर बाइज्जत लोगों को बुला चुका हूं, दोनों की मंगनी की दावत दे चुका हूं। आपको मुझसे पूछे बिना ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है, गलती मेरी थी, तुम्हें अपने नजदीक समझ बैठा था। तुम गुस्से और जिद में बहक कर जा रहे हो, तो सुनो आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं। आज मैंने जो कुछ भी किया आशा तुम्हारी भलाई के लिए, और मैंने जो कुछ भी किया है तुम दोनों की भलाई के लिए। लेकिन विजय तुम मुझसे ही चाल चल गए, दिल्ली से हीरा मंगाकर अकेले ही हजम कर लेना चाहते हो। मुझसे छुट्टी लेकर यहां आने का बहाना खूब रहा। बास्टर्ड, मुझे मालूम है कि तुम नाराज हो, लेकिन ये बेहुदा होशियारी दिखाने से पहले एक नजर पीछे भी देख लो। भैया ये क्या है? ये सब मेरी शमशीर चट्टोपाध्याय की मेहरबानियों का नतीजा है। तुम लोगों के पास इतनी दौलत ऐसे ही नहीं आ गई। तुम्हारे भैया मेरे गैंग में काम करते हैं। भैया मुझे तुम पर नाज था, लेकिन मैं नहीं जानती थी दौलत की ताकत तुम्हें इतना नीचे गिरा देगी। कितने अरमान से राखी बांधने शिमला से दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आई कि कल रक्षाबंधन है। इस पाप की कमाई से तो वो 2 रुपए ज्यादा अच्छे थे भैया, वो 2 रुपए ज्यादा अच्छे थे। इतनी परेशानी में घिर गया ताशा, दुनिया ने मुझे जलील किया, ठोकरें मारी, सहन नहीं कर सका और इस नर्क में गिर पड़ा। लेकिन फिर भी हमें जिंदगी से कुछ नहीं मिला। मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, फिर से भूखा रहूंगा, हम कहीं और जाकर बस जाएंगे। वादा करता हूं आशा, हमेशा हमेशा के लिए मैं ये धंधा छोड़ दूंगा। फैसला करना हमारा काम है, ये हक हम किसी को नहीं देते।
गद्दारी करने वाले को हम तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हाँ, अगर वो हीरा लाकर हमें दे दो तो शायद हम तुम्हें अपने चंगुल से आजाद कर दें। वो हीरा तुम्हें नहीं मिल सकता। आशा हमारे पास रहेगी। अगर तुम अपनी बहन की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह वो हीरा लेकर हमारे पास चले आओ।